मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर व जिलाधिकारी महाराजगंज डॉक्टर उज्जवल कुमार ने बुधवार को राप्ती नदी व पौह नाले के जलस्तर का जायजा लिया तथा जनता को होने वाली फसल नुकसान को लेकर विचार विमर्श किया। गौरतलब है कि पौह नाले में श्रीनगर ताल व धोधी नदी में से पानी आकर धानी ब्लॉक के एक बहुत ही बड़े क्षेत्र में जल पलायन करता है, जिससे आसपास के गांवों में परेशानी होती है। इसके पश्चात कमिश्नर जयंत नार्लिकर ने राप्ती के जलस्तर का जायजा लिया, जहां जलस्तर में भारी कमी आई है। मंडलायुक्त ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिया कि बंधों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बराबर निगरानी करते रहें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरता जाए। बरसात हो रही है तो नेपाल जितनी भी नदियां हैं वो बांध गए, बाढ़ को लेकर किस तरीके का? देखिए, आज आपका हमने इसीलिए बाढ़ बहुत प्राथमिकता वाला बिंदु है ये अगले दो ढाई महीने, और इसीलिए आज धानी वाला क्षेत्र हम लोगों ने विजिट किया है और देखने का प्रयास किया है कि इसमें क्या समस्याएं हैं। और हम आशा करते हैं कि जो भी लीक से संबंधित हमारी कार्यप्रणाली और जो मैनेजमेंट और हमारी तैयारी है वो पूर्ण है, वो हम कार्रवाई करेंगे। बाकी सिंचाई विभाग ने काफ़ी जगहों पर काम किया है और जो हमारे बंधे हैं, जो इस ज़िले में बंधे हैं, उस पर हमारी कॉन्स्टेंट निगरानी चल रही है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसमें जनता को कोई समस्या ना हो और हम बाढ़ की समस्या से। सर, हर साल होता है, आखिर क्या वजह है? देखिए, कोई बराबर व्यवस्था के लिए अभी माननीय मंत्री जी भी पिछले विगत इसमें उन्होंने दौरा भी किया था और उसमें हम लोग ने एक प्रस्ताव बनाया है और उसमें लगता है इस साल हम लोग कार्य कर पाएंगे, जैसे क्योंकि उसमें वन विभाग की भी एक बड़ी भूमिका है और जैसा कि आपको पता है कि फॉरेस्ट के अपने लॉज हैं जो केंद्र सरकार के लॉज हैं और उस पर हम लोग की गोरखपुर में भी बात हुई थी। यहाँ पर जिलाधिकारी और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने बात की और इसको हम बहुत जल्दी उसका एक प्रोजेक्ट यहाँ पर लेंगे। जो भी होगा बरसात के बाद ही होगा, लेकिन उस पर हम कार्य करेंगे।